नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट ने अपने राफेल फाइटर जेट से लीबिया के अंदर एक एक्शन लिया था, एयर स्ट्राइक की थी, तो उस समय तुर्की के F-16 फाइटर जेट कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान घबरा गया था कि अगर इंडिया के अंदर राफेल आ जाता है तो उसके F-16 का या अन्य फाइटर जेट का क्या होगा, उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आज एक दूसरी वजह है जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है और उसे अपने F-16 को लेके डर लग रहा है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों तुर्की ने अपने रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का US मेड F-16 फाइटर जेट के साथ में नवंबर 2019 के अंदर एक टेस्ट किया। ये बात तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के एक गोपनीय सूत्र ने रशियन मीडिया एजेंसी टैस को बताया और रिपोर्ट में दोस्तों ये बताया गया कि 25 नवंबर 2019 को तुर्की ने अपने कई एयरक्राफ्ट के साथ में, जिसमें F-16 फाइटर जेट भी शामिल था, अंकारा के नजदीक एक S-400 के द्वारा टेस्ट किया। इसमें स्पेशली कम्युनिकेशन चेक किया गया एयर डिफेंस सिस्टम और एयरक्राफ्ट के बीच में उस एक्सरसाइज के दौरान, और तुर्किश एयरफोर्स ने अपने F-16 और F-4 फाइटर जेट को लो लेवल और हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करवाया और ये टेस्ट किया कि हाई एल्टीट्यूड पे S-400 सिस्टम डिटेक्ट होता है या नहीं। और दूसरा ये भी टेस्ट किया गया कि लॉन्ग रेंज पे S-400 सिस्टम की 91N6C सर्विलियंस और एक्विजिशन रडार और इसके अलावा 96L6C एयर सर्च और एक्विजिशन रडार पूरी तरह से काम कर पाते हैं और F-16 को डिटेक्ट कर पाते हैं या नहीं, और साथ ही मिसाइल फायर करने के लिए क्लियरेंस देते हैं या नहीं। और इस एक्सरसाइज के दौरान तुर्की और रशिया के मिक्स जो क्रू था उन्होंने S-400 सिस्टम के ऊपर काम किया, और तुर्की की तरफ से वो क्रू था जिसकी ट्रेनिंग हो चुकी थी, और उस समय तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम के जो ऑब्जर्वर थे वो भी शामिल हुए। इसके अंदर सीनियर ऑफिशियल थे और उन्होंने S-400 का डेमोन्स्ट्रेशन और कैपेबिलिटीज को देखा, और स्पेशली इस एक्सरसाइज के दौरान ये चेक किया गया कि क्या ये सिस्टम फ्रेंड और फो के बीच में डिफरेंस करता है या नहीं, क्योंकि बहुत से अमेरिकन जेट जो उनके पास है वो दुश्मन देश के पास भी है, ऐसे में कहीं वो तुर्की के ही फाइटर जेट को अटैक न कर दे, इस चीज को भी कंफर्म किया गया। और दोस्तों इससे सीधा सीधा पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि उसके पास अमेरिकन F-16 फाइटर जेट हैं जो कि उसके सबसे सुपीरियोरिटी फाइटर जेट माने जाते हैं, और किसी भी सूरत में अगर इंडिया के साथ में युद्ध होता है तो वह अपने 70 F-16 के ऊपर ही भरोसा कर सकता है। ऐसे में दोस्तों इनका पकड़ में आना बहुत ही चिंताजनक था पाकिस्तान के लिए। और आपको बता दें S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर तक और 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक टारगेट को एंगेज कर सकता है, और साथ ही दोस्तों किसी भी एरियल टैंकर अवाक्स के साइज के प्लेटफॉर्म को और 600 किलोमीटर तक एंगेज कर सकता है, और इसके अलावा किसी भी फाइटर साइज के टारगेट को 400 किलोमीटर तक किल कर सकता है। और दोस्तों एक इंडियन डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि जैसे ही पाकिस्तान के फाइटर जेट उड़ान भरते हैं इंडिया के लिए, तो चूंकि उसके बेस इंडिया के बॉर्डर के नजदीक ही है और अगर वहां पर S-400 सिस्टम को डिप्लॉय किया जाता है तो वो हाथों हाथ इन फाइटर जेट को पकड़ लेगा और एक साथ में 36 टारगेट को एंगेज कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान के 36 फाइटर जेट एक साथ में गिराए जा सकते हैं, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली 72 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। और दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में भी अगर हम S-400 डिप्लॉय करते हैं तो पाकिस्तान की हर उड़ान का हमें पता लगेगा, और अगर युद्ध हो जाता है तो ऐसे में दोस्तों कोई भी पाकिस्तान का एयर प्लेटफॉर्म जैसे कि अवाक्स, पूफर, रिफ्यूलर, ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, वो सारे S-400 की रेंज में होंगे और किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इवन अगर इंडिया के फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर अटैक करने के लिए जाते हैं तो जैसा कि आपको पता है 12 मिराज फाइटर जेट गए थे, तो अभी दोस्तों S-400 की बैकिंग भी मिलेगी। अगर पाकिस्तान उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है तो उसके फाइटर जेट को यहीं से गिराया जा सकेगा। और दोस्तों चूंकि हमारे पास अब राफेल फाइटर जेट इसी मंथ आने वाला है तो हमारी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, और S-400 आने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से एक तरह से जिसे कहते हैं नकारा हो जाएगा और किसी भी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।